पन्ना में करणी सेना का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कुंवर राघवेंद्र सिंह को पन्ना जिला करणी सेना का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसके बाद करणी सेना के द्वारा पवई से अमानगंज और फिर पन्ना जिले से विशाल रैली निकाली गई। आपको बता दें कि पन्ना जिले में पहली बार किसी पुरुष को करणी सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले पन्ना जिले में सिर्फ महिला विंग के पदाधिकारी ही नियुक्त थे। रैली का जगह जगह बैंड बाजों के साथ और पटाखे फोड़कर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही पन्ना के स्थानीय गांधी चौक पर एक आम सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। करणी सेना के स्थापना दिवस के साथ साथ स्थानीय बग्गी खाने में करणी सेना के कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। करणी सेना के नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि करणी सेना का लक्ष्य रहेगा कि समाज अच्छा काम करे और आगे बढ़े। करणी सेना शासन की गलत नीतियों और आरक्षण का पुरजोर विरोध करती रहेगी। अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि पूरे जिले की क्षत्रिय समाज ने और यूथ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब कोशिश करेंगे कि सभी लोग साथ में रहें, आगे बढ़े, अच्छा कार्य करें, समाज के लिए अच्छे कार्य करें, मिलजुल के एक दूसरे का सहयोग करें। कुंवर राघवेंद्र सिंह के अध्यक्ष बनाए जाने पर युवाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। पन्ना जिले के उभरते हुए कलाकार ज्ञानेंद्र सिंह बुंदेला का कहना है कि सभी युवाओं के द्वारा करणी सेना अध्यक्ष का सम्मान किया गया है। कि एक सही मायने से और सही नजर से और एक सही एकता के अनुसार इस पूरे मुहिम को, इस आंदोलन को आगे लेके जाएं और समाज में एक अच्छी व्यवस्था और एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करें। तो इसी के लिए हम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हुए और सभी क्षत्रिय महासभा समाज ने और ब्राह्मण समाज ने, जो सारे अच्छे समाज हैं, इन्होंने उनका सम्मान किया और आज उनका स्वागत भी है। न्यूज़ बीके के लिए पन्ना से इदरीस मोहम्मद की रिपोर्ट।